जय श्री कृष्णा। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के महात्म्य का बहुत ही बड़ा महत्व है। इस महात्म्य में अनेकों संदेश छिपे हुए हैं, अनेकों रहस्य छुपे हुए हैं, जिसका अध्ययन करके हम अपने जीव के सार को समझ सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता स्वयं श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए वचन है, जो असत्य नहीं हो सकते हैं। और मनुष्य के लिए गीता के महात्म्य, गीता के अर्थ को जानना बहुत ही आवश्यक है। गीता शास्त्र में पुण्यम यह पठे प्रायः पुमान, यदि कोई भगवद गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। भय शोक आदि वर्जित, वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। इससे पहले हमने श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशमध्याय अर्थ, महात्म्य, उपदेश, सुविचार तथा सार बताया है। आइए हम आपके लिए गीता के अध्याय एक का महात्म्य, अर्थ व सार लेकर आए हैं, जिसका आधार ग्रंथ स्वयं गीता ही है। आशा है आप इसके महत्व को अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। अर्जुन द्वारा विश्वरूप के दर्शन के लिए प्रार्थना। अर्जुन ने कहा, मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषय ज्ञान दिया है, उस उपदेश से मेरा ये मोह दूर हो गया है। हे कमल नयन, मैंने आपसे समस्त सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय और आपकी अविनाशी महिमा का भी वर्णन विस्तार से सुना है। हे परमेश्वर, इस प्रकार ये जैसा आपके द्वारा वर्णित आपका वास्तविक रूप है, मैं वैसा ही देख रहा हूँ। किंतु हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ऐश्वर्य युक्त रूप को मैं प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि आप उचित मानते हैं कि मैं आपके उस रूप को देखने में समर्थ हूँ, तब हे योगेश्वर, आप कृपा करके मुझे अपने उस अविनाशी विश्वरूप में दर्शन दीजिए। भगवान द्वारा विश्वरूप का वर्णन। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों अनेक प्रकार के अलौकिक रूपों को और अनेक प्रकार के रंगों वाली आकृतियों को भी देख। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, तू मुझमें अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को, 49 मरुद्गणों को और इसके पहले कभी किसी के द्वारा न देखे हुए उन अनेकों आश्चर्यजनक रूपों को भी देख। हे अर्जुन, तू मेरे इस शरीर में एक स्थान में चर अचर सृष्टि सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को देख और अन्य कुछ भी तू देखना चाहता है उन्हें भी देख। किंतु तू अपनी इन आंखों की दृष्टि से मेरे इस रूप को देखने में निश्चित रूप से समर्थ नहीं है, इसलिए मैं तुझे अलौकिक दृष्टि देता हूँ, जिससे तू मेरी इस ईश्वरीय योग शक्ति को देख। संजय द्वारा धृतराष्ट्र के समक्ष विश्वरूप का वर्णन। संजय ने कहा है, इस प्रकार कहकर परम शक्तिशाली योगी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्य युक्त अलौकिक विश्वरूप दिखलाया। इस विश्वरूप में अनेकों मुंह, अनेकों आंखें, अनेकों आश्चर्यजनक दिव्य आभूषणों से युक्त, अनेकों दिव्य शस्त्रों को उठाए हुए, दिव्य मालय वस्त्र को धारण किए हुए, दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए, सभी प्रकार के आश्चर्यपूर्ण प्रकाश से युक्त, असीम और सभी दिशाओं में मुख किए हुए सर्वव्यापी परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। यदि आकाश में 1000 सूर्य एक साथ उदय हो तो उनसे उत्पन्न होने वाला वह प्रकाश भी उस सर्वव्यापी परमेश्वर के प्रकाश की शायद ही समानता कर सके। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से अलग अलग संपूर्ण ब्रह्मांड को सभी देवताओं के भगवान श्री कृष्ण के उस शरीर में एक स्थान में स्थित देखा। तब आश्चर्यचकित, हर्ष से रोमांचित हुए शरीर से अर्जुन ने भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम करके और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोला, अर्जुन द्वारा विश्वरूप की स्तुति करना। अर्जुन ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके शरीर में समस्त देवताओं को तथा अनेकों विशेष प्राणियों को एक साथ देख रहा हूँ और कमल के आसन पर स्थित ब्रह्मा जी को, शिव जी को, समस्त ऋषियों को और दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, मैं आपके शरीर में अनेकों हाथ, पेट, मुख और आंखें तथा चारों ओर से असंख्य रूपों को देख रहा हूँ। हे विश्वरूप, न तो मैं आपका अंत, न मध्य और न आदि को ही देख पा रहा हूँ। मैं आपको चारों ओर से मुकुट पहने हुए, गदा धारण किए हुए और चक्र सहित अपार तेज से प्रकाशित देख रहा हूँ और आपके रूप को सभी ओर से अग्नि के समान जलता हुआ, सूर्य के समान चकाचौंध करने वाले प्रकाश को कठिनता से देख पा रहा हूँ। हे भगवान, आप ही जानने योग्य परब्रह्म परमात्मा है, आप ही इस जगत के परम आधार है, आप ही अविनाशी सनातन धर्म के पालक हैं और मेरी समझ से आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। आप अनादि हैं, अनंत हैं और मध्य रहित हैं। आपकी महिमा अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं, चंद्र और सूर्य आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से जलती हुई अग्नि के निकलने वाले तेज के कारण इस संसार को तपते हुए देख रहा हूँ।
हे महापुरुष, संपूर्ण आकाश से लेकर पृथ्वी तक के बीच केवल आप ही अकेले सभी दिशाओं में व्याप्त है और आपके इस भयंकर आश्चर्यजनक रूप को देखकर तीनों लोग भयभीत हो रहे हैं। सभी देवों के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं, उनमें से कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपका गुणगान कर रहे हैं और महर्षिगण और सिद्धों के समूह कल्याण हो इस प्रकार कहकर उत्तम वैदिक स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। शिव के सभी रूप, सभी आदित्यगण, सभी वसु, सभी साधिगण, संपूर्ण विश्व के देवता, दोनों अश्विनी कुमार तथा समस्त मरुद्गण और पितरों का समूह, सभी गंधर्व, सभी यक्ष, समस्त राक्षस और सिद्धों के समूह व सभी आश्चर्यचकित होकर आपको देख रहे हैं। हे महाबाहु, आपके अनेकों मुख, आंखें, अनेकों हाथ, जंघा, पैरों, अनेकों पेट और अनेक दांतों के कारण विराट रूप को देखकर सभी लोग व्याकुल हो रहे हैं और उन्हीं की तरह मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करता हुआ अनेकों प्रकाशमान रंगों से युक्त मुख को फैलाए हुए और आपकी चमकती हुई बड़ी बड़ी आंखों को देखकर मेरा मन भयभीत हो रहा है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ और न ही शांति को प्राप्त कर पा रहा हूँ। इस प्रकार दांतों के कारण विकराल और प्रलयकारी की अग्नि के समान आपके मुखों को देखकर मैं आपकी न तो कोई दिशा को जान पा रहा हूँ और न ही सुख पा रहा हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र अपने समस्त सहायक वीर राजाओं के सहित तथा पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, सूत पुत्र कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धा भी आपके भयानक दांतों वाले विकराल मुख में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं और उनमें से कुछ तो दांतों के दोनों शिरों के बीच में फंस कर चूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार नदियों की अनेकों जलधाराएं बड़े वेग से समुद्र की ओर दौड़ती हुई प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार सभी मनुष्य लोग के वीर योद्धा भी आपके आग उगलते हुए मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए जलती हुई अग्नि में बड़ी तेजी से प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार यह सभी लोग भी अपने विनाश के लिए बहुत तेजी से आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। हे विश्वव्यापी भगवान, आप उन समस्त लोगों को जलते हुए सभी मुखों द्वारा निगलते हुए सभी ओर से चाट रहे हैं और आपके भयंकर तेज प्रकाश की किरणें संपूर्ण ब्रह्मांड को आच्छादित करके झुलसा रही हैं। हे सभी देवताओं में श्रेष्ठ, कृपा करके आप मुझे बतलाइए कि आप इतने भयानक रूप वाले कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न हो। आप ही निश्चित रूप से आदि भगवान हैं। मैं आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपके स्वभाव को नहीं जानता हूँ। भगवान द्वारा अपने प्रभाव का वर्णन। श्री भगवान ने कहा, मैं इस संपूर्ण संसार का नष्ट करने वाला महाकाल हूँ। इस समय इन समस्त प्राणियों का नाश करने के लिए लगा हुआ हूँ। यहाँ स्थित सभी विपक्षी पक्ष के योद्धा तेरे युद्ध न करने पर भी भविष्य में नहीं रहेंगे, हे सव्यसाची। इसलिए तू यश को प्राप्त करने के लिए युद्ध करने के लिए खड़ा हो और शत्रुओं को जीत कर सुख संपन्न राज्य का भोग कर। ये सभी पहले ही मेरे ही द्वारा मारे जा चुके हैं, तू तो युद्ध में केवल निमित्त बना रहेगा। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और भी अन्य अनेक मेरे द्वारा मारे हुए इन महान योद्धाओं से तू बिना किसी भय से विचलित हुए युद्ध कर। इस युद्ध में तू ही निश्चित रूप से शत्रुओं को जीतेगा। भययुक्त अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति। संजय ने कहा, भगवान के इन वचनों को सुनकर अर्जुन ने हाथ जोड़कर बार-बार नमस्कार किया और फिर अत्यंत भय से कांपता हुआ प्रणाम करके अवरोध स्वर से भगवान श्री कृष्ण से बोला। अर्जुन ने कहा, हे अंतर्यामी प्रभु, यह उचित ही है कि आपके नाम के कीर्तन से संपूर्ण संसार अत्यंत हर्षित होकर आपके प्रति अनुरक्त हो रहा है तथा आसुरी स्वभाव के प्राणी आपके भय के कारण इधर उधर भाग रहे हैं और सभी सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मा, ये सभी श्रेष्ठ जन आपको नमस्कार क्यों ना करें, क्योंकि आप ही ब्रह्मा को भी उत्पन्न करने वाले हैं। हे अनंत, हे दयादिदेव, हे जगत के आश्रय, आप अविनाशी, समस्त कारणों के मूल कारण और आप ही परम तत्व है। आप आदि देव सनातन पुरुष हैं, आप इस संसार के परम आश्रय हैं, आप जानने योग्य हैं तथा आप ही जानने वाले हैं, आप ही परम धाम हैं और आपके ही द्वारा ये संसार अनंत रूपों में व्याप्त है। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा तथा सभी प्राणियों के पिता ब्रह्मा भी हैं और आप ही ब्रह्मा के पिता भी हैं। आपको बार-बार नमस्कार, आपको हजारों बार नमस्कार, नमस्कार हो फिर भी आपको बार-बार नमस्कार करता हूँ। हे असीम शक्तिमान, मैं आपको आगे से, पीछे से और सभी ओर से ही नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप ही सब कुछ है। आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप ही से समस्त संसार व्याप्त है, अतः आप ही सब कुछ है। आपको अपना मित्र मानकर मैंने है पूर्वक आपको, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, इस प्रकार आपकी महिमा को जाने बिना मूर्तावश या प्रेमवश जो कुछ कहा है
हे अच्युत, यही नहीं हंसी मजाक में आराम करते हुए, सोते हुए, बैठते हुए या भोजन करते हुए, कभी अकेले में या कभी मित्रों के सामने मैंने आपका जो अनादर किया है उन सभी अपराधों के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। आप इस चल और अचल जगत के पिता और आप ही इस जगत में पूजनीय आध्यात्मिक गुरु हैं। हे अचिंत्य शक्ति वाले प्रभु, तीनों लोकों में अन्य न तो कोई आपके समान हो सकता है और न ही कोई आपसे बक हो सकता है। अतः मैं समस्त जीवों के पूजनीय भगवान के चरणों में गिरकर साष्टांग प्रणाम करके आपकी कृपा के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के अपराधों को, मित्र अपने मित्र के अपराधों को और प्रेमी अपनी प्रिया के अपराधों को सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप मेरे अपराधों को सहन करने की कृपा करें। पहले कभी न देखे गए आपके इस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ और साथ ही मेरा मन भय के कारण विचलित भी हो रहा है। इसलिए हे देवताओं के स्वामी, हे जगत के आश्रय, आप मुझ पर प्रसन्न होकर अपने पुरुषोत्तम रूप को मुझे दिखलाइए। हे हजारों भुजाओं वाले विराट स्वरूप भगवान, मैं आपके मुकुट धारण किए हुए और हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। कृपा करके आप चतुर्भुज रूप में प्रकट हो। भगवान द्वारा विश्वरूप के दर्शन की महिमा और चतुर्भुज दर्शन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के प्रभाव से तुझे अपना दिव्य विश्वरूप दिखाया है। मेरे इस तेजो में अनंत विश्वरूप को तेरे अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया है। हे गुरुश्रेष्ठ, मेरे इस विश्वरूप को मनुष्य लोक में न तो यज्ञों के द्वारा, न वेदों के अध्ययन द्वारा, न दान के द्वारा, न पुण्य कर्मों के द्वारा और न कठिन तपस्या द्वारा ही देखा जाना संभव है। मेरे इस विश्वरूप को तेरे अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया है। हे मेरे परम भक्त, तू मेरे इस विकराल रूप को देखकर न तो अधिक विचलित हो और न ही मोहग्रस्त हो। अब तू पुनः सभी चिंताओं से मुक्त होकर प्रसन्न चित्त से मेरे इस चतुर्भुज रूप को देख। संजय ने कहा, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद अपना विष्णु स्वरूप चतुर्भुज रूप को प्रकट किया और फिर दो भुजाओं वाले मनुष्य स्वरूप को प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बताया। चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्लभता और अनन्य भक्ति द्वारा सुलभता। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस अत्यंत सुंदर मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान ने कहा, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है उसे देख पाना अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी इस शाश्वत रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। मेरे इस चतुर्भुज रूप को जिसको तेरे द्वारा देखा गया है, इस रूप को न वेदों के अध्ययन से, न तपस्या से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जाना संभव है। हे प्रतप अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मेरा साक्षात दर्शन किया जा सकता है, वास्तविक स्वरूप को जाना जा सकता है और इसी विधि से मुझ में प्रवेश भी पाया जा सकता है। हे पांडुपुत्र, जो मनुष्य केवल मेरी शरण होकर मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करता है, मेरी भक्ति में स्थित रहता है, सभी कामनाओं से मुक्त रहता है और समस्त प्राणियों से मैत्री भाव रखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त करता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में विश्वरूप दर्शन योग नाम का 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इसके बाद हम गीता का 12वां अध्याय पढ़ेंगे। जय श्री कृष्णा।